हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, जो नहीं सोचा था वो दिन आ गया। और आपने ये लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या हुआ था मेरे साथ में यस्टरडे। और एक्चुअली मैं ये इंसिडेंट और ये एक्सीडेंट जो हुआ है, ये मैं नहीं डालना चाहता था यूट्यूब पे, पर जो मैंने फील किया एक डेढ़ घंटे में, जो एम्बुलेंस आया, 6 घंटे का जो मेरा वेटिंग टाइम था सिर्फ डॉक्टर से मिलने के लिए, वो कितना पैथेटिक था वो देख के लग गया होगा आपको कि 6-6 घंटे लगते हैं डॉक्टर को देखने के लिए। इतना टैक्स पे करने के बाद में, इतना आप अपना NI पे करते हो हर महीने, 200 NI, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये आप NI के पे करते हो, उसके बाद में आप पे करते हो अपना टैक्स, और फिर भी आपको ऐसी वेटिंग लाइन देखनी पड़ती है, और सिर्फ छोटी चीज़ों के लिए। सपोज़ कि मेरा कोई हार्ड एक्सीडेंट हुआ होता बड़ा, और मेरा कोई फ्रैक्चर हुआ होता तो क्या होता, मर ही जाता कोई आदमी वेटिंग करते करते, कोई स्टैबिंग हुआ होता तो क्या होता। तो ऐसी चीज़ें यहाँ फेस करनी पड़ती हैं, और ये चीज़ें सही नहीं है कि आप एक कंपनी में ईमानदारी से रहते हैं, अपना टैक्स पे करते हैं और सब कुछ करते हैं, फिर भी आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें सफ़र करती हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आज मैं जा रहा हूँ, रात को जो उन्होंने मेडिसिन लिखा था वो दिया नहीं मुझे, तो मुझे दूसरे हॉस्पिटल से जाके कलेक्ट करना होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा पास का हॉस्पिटल है हेमर्स में, जो 15 मिनट का वॉक है मेरे यहाँ से, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मेडिसिन लेने। और कल रात का जो मेडिसिन दिया था वो सिर्फ 8 घंटे असर करता है, और मेरा अभी बैक पेन फिर से शुरू हो गया, मैं वॉक भी नहीं कर पा रहा, बहुत बच्चों की तरह स्टेप करके चल रहा हूँ। और GP भी मैंने रजिस्टर नहीं किया था, सोचा था कि कभी ऐसा नहीं होगा और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 22 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे, ऑलमोस्ट 2 ईयर हो गया, कोई कभी मेडिसिन नहीं खाया, हेल्दी था और हेल्दी खाता हूँ, और ऐसा हुआ कभी नहीं सोचा था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है, एक दिन में ही उसने मुझे यमराज दिखा दिया। लग रहा था कि आज से मैं मरूंगा, आज नहीं बचूंगा। उधर किड्स प्ले कर रहे हैं, और आज देखो कितना अच्छा वेदर है, यहाँ पे धूप देखने को नहीं मिलता, वो भी बोन्स को अफेक्ट करता है, आई थिंक वो भी एक रीज़न रहा होगा इसके पीछे, क्योंकि बोन्स स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो सामने देखेंगे आप जो बिल्डिंग है, आपको बड़ी सी बिल्डिंग, वो है हेमरसन हॉस्पिटल। अब मुझे उधर ही जाना है, वहाँ पे GP रजिस्टर कराना है, और मेडिसिन भी मुझे उधर से ही लेना है। तो मेरी तरह ना सोचें भाई, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि कुछ नहीं होगा यार, मैं तो हेल्थी हूँ, GP रजिस्टर करा ही लें, क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको नियरेस्ट GP के पास भेजा जाता है। कल मेरा GP रजिस्टर नहीं था, लेकिन होपफुली जो इमरजेंसी था उसने मुझे हैंडल कर लिया वहाँ पर जाके। बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं भाई, जो जिसने घर वालों को पता भी नहीं होता। और जो कल का जो वीडियो था जिसमें मैं फ्लोर पर पड़ा हुआ था, वो देखने में ही नॉर्मल है, जब मैं हल्का सा भी मूवमेंट, मेरा इतना पेनफुल था, जिसको किडनी स्टोन होगा, इनल कैलकुला है, उसको आइडिया होगा कि कितना पेन होता है उसको, तो उतना ही पेन मेरे था। और दूसरी बात, टाइम पे कोई आया नहीं, इसलिए मैं और मेरा दोस्त ट्राई कर रहे थे कॉल करने की, 999 पे करो, 111 पे करो, वो इतना बेवकूफ लग रहा था, क्वेश्चन पूछ रहे थे आपका कलर कैसा है, अबे बहन, तो मैं कोई गिरगिट टूंगे जो कलर बदलूंगा। तो भाई 40 मिनट का वॉक था, और मुझे मोर देन 30 मिनट हो गया चलते चलते, तो बैक में पेन है और चल नहीं पा रहा अच्छे से। तो ये है आपका, मुझे जाना है हेमरस्मिथ, तो उससे पहले पड़ता है, ये है आपका चार्लेसा हॉस्पिटल। हाँ तो गाइज, ये है आपका हेमरस्मिथ हॉस्पिटल, यहाँ से मुझे मेडिसिन लेना है। वेलकम टू इम्पीरियल कॉलेज हेल्थ केयर NHS ट्रस्ट हेमरस्मिथ हॉस्पिटल। भाई बहुत चूतिया सिस्टम है इधर साला, 500 दवाई लेने के लिए पहले प्रेस्क्रिप्शन लेने में 5-6 घंटे लगाओ, फिर 500 ये पर्चा दो अपना, उसके बाद में आधा घंटा वेट करो, आधा घंटा हो चुका है मुझे, 500 ये टिकट दिया मुझे, किस बात का टिकट है साला पता ही नहीं, अब दवाई दो ना सीधा, 500 टिकट क्यों दे रहे हो, 500 ये पीछे TV में लिखा हुआ है प्रेस्क्रिप्शन रेडी, 500 बर्गर खाने आया हूँ क्या मैं इधर, पिज़्ज़ा खाने आई हो, पिज़्ज़ा इज़ रेडी, मारा चो दबाई दो साला, मैं यार गाली दे रहा हूँ, सॉरी भाई। मेडिसिन का चार्ज किया 19.80 इंडिया के हिसाब से, 2,000 रुपीज़ ओनली फॉर पेन किलर, तो जबकि बेंचों में लाखों रुपए का इंश्योरेंस पे कर चुका हूँ इधर, 5-6 लाख का मैं अब तक टैक्स पे कर चुका हूँ इधर, पर बेंचों कुछ भी फ्री नहीं है, बस डॉक्टर कंसल्टेंट फ्री है इधर के, क्या करूँ मैं इसका बेंचों, इससे अच्छा तो अपना इंडिया है, जो मेडिसिन फ्री में, डॉक्टर कंसल्टेंट फ्री में, CT MRI सब फ्री में। भाई 30 से 45 मिनट लग गए दवाई लेने में, फिर सारा दवाई लेने के लिए भी पैसा देना पड़ा, किस बात का टैक्स और NI पे करते हैं हम लोग इधर,
लूट रहे हैं साले हमको, ये बोलता है ब्रिटिश को भी पे करना पड़ता है। अब जाना है जीपी रजिस्टर करने। ठीक है गाइस चलते हैं। हर चीज़ में लाइन यार, किस चीज़ का बैंक जो फास्ट सर्विस है तुम्हारा। तो भाई ये फॉर्म दिया है जीपी रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं हूँ अभी हेमा स्मिथ हॉस्पिटल में, और जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है मेरे लिए जीपी रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि मेरे घर से पास में ही है और बेटर फैसिलिटीज़ हैं, पर सारी टाइम पे मिल जाए तब ना, टाइम पे तो कुछ मिलता ही नहीं है। अब जीपी का फॉर्म भर लेता हूँ भाई। इधर आओ तो एक चीज़ और, अपना नंबर बार बार चेंज ना करें, कहीं जीपी रजिस्टर कर लिया ठीक है, और होम एड्रेस तुम्हारा है जो भी है और आके उधर उसको चेंज कर रहे हैं, तो वो बार बार ना करें, एक बार जो है उसी को रखें। कोशिश करें अगर बदल रहे हों तो जीपी को जाके अपना जो एड्रेस चेंज है वो भी करवाएं, अपना नंबर है वो भी चेंज करवाएं, क्योंकि बाद में फिर वो लोग तुमको कोई प्रॉब्लम हो गई और वो उस नंबर पे बैक कॉल करते हैं कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट ओके है, हॉस्पिटल पहुँचा नहीं पहुँचा, और तुम्हारा आउट ऑफ रीच जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पेज पर है आपका रिलीजन, अदर डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी है। 3-4 पेज का फॉर्म है भाई, ओके। आस्किंग अबाउट माय डाइट, माय रिलीजन, माय एथनिक ओरिजिन एंड योर एक्सरसाइज। सो इधर मैंने मॉडरेट कर दिया है, सो प्लीज़ हाइट फीट 5 feet 9 inches सेंटीमीटर में 173 किलोग्राम 58। प्लीज एंटर योर वेट एंड नहीं पता, लेफ्ट में अपने आप लगा देगा हिसाब। थर्ड पेज पे क्वेश्चन अबाउट योर अल्कोहल कंजप्शन, तो भाई अल्कोहल कंजप्शन का जो क्वेश्चन है वो है इसमें कि मोस्टली आप क्वेश्चन अबाउट योर अल्कोहल कंजप्शन स्कोरिंग सिस्टम नेवर मंथली और लेस 2 times per week 4 times, सो 24 भी नहीं है मेरा, ये भी नहीं, बस हो गया। ओके भाई ये भर गया। हाँ तो भाई जीपी का जो फॉर्म भरा था, अब एक हफ्ते के अंदर उनका एसएमएस आ जाएगा, 2 हफ्ते में आ जाएगा साला, जब तक आएगा देखा जाएगा, उसके बाद में जाके जीपी को मिल सकता हूँ। और दर्द ने हालत ख़राब कर रखी है भाई, यहाँ इंडिया नहीं है तो जाके किसी भी को भी दिखा लो, जब मन करे डॉक्टर को उठा दो, इधर सारा अपॉइंटमेंट से चलता है सब कुछ, बहुत लंबा क्यू लिस्ट है हर जगह पे, हर जगह लाइन में लगो, बहुत बड़ा चूतिया पा है, मैन पावर बहुत कम है इनके पास में। समझ लीजिए कि इंडिया में गरीब हैं आप और प्राइवेट में जा रहे हैं, वैसा ही यहाँ पे है ठीक है। तो NHS में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करें कि मेडिसिन अपना इंडिया से ही मंगवा लें, पेन किलर वगैरह छोटा मोटा एंटीबायोटिक यहाँ नहीं मिलता है, एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, तो कोशिश यही रहे कि आपकी इंडिया से मंगवाया जाए सारा कुछ। मैं भी इंडिया से मंगवाऊँगा, 2000 रुपये का 2 टैबलेट आया, क्या करूँ, वो भी गांड में डालने के लिए बेकार है सब कुछ भाई। और पिता वो हो गया, घर जाके आराम करना है, शिफ्ट भी कुछ कैंसिल की है, शिफ्ट कैंसिल का बहुत बड़ा नुकसान होता है भाई इधर, स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है। 2 साल से कंटिन्यू काम विदाउट रेस्ट, तो कहीं ना कहीं तो भरपाई करना पड़ेगा, तो यही है। ओके गाइस, होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि सपोज़ कि आप अकेले आए हैं और कोई है नहीं आपके पास में, तो किसको फ़ोन करेंगे, एम्बुलेंस 1.5 घंटे में आएगा, मर जाएंगे भाई दर्द से। नहीं, मैं आपके सामने कोई सिंपैथी पेश नहीं कर रहा, ना एम्पैथी के लिए कर रहा, बस मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ छोटी सी, ऐसा हो सकता है किसी के भी साथ में ठीक है यार, दोस्त भी इधर कोई है नहीं, तो बस थोड़ा स्ट्रांग रहें, अच्छा खाएं, हेल्दी रहें, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, जो होगा देखा जाएगा। और कमेंट ज़रूर करना कि आप क्या सोचते हैं यहाँ यूके के बारे में, जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी दिखाया है कि दूर से बहुत अच्छा लगता है यहाँ की लाइफ, झंड हो जाती है, पैसे के मामले में नहीं, लाइफ के मामले में बात कर रहा हूँ। ओके गाइस टेक केयर, सी यू, बाय बाय, जय श्री राम, वंदे मातरम।